हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लुकअप विजार्ड की तीसरी वीडियो है, और तीसरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से दूसरा जो ऑप्शन दिया होता है, लाइक अगर हम यहां पे क्रिएट पे जाते हैं, फिर यहां से टेबल पे क्रिएट करते हैं, फिर यहां पर दूसरा टेबल बना लेता हूं मैं, यहां पर एक फील्ड आईडी ही रहने देता हूं, ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार बता चुका हूं। यहां पे कर देता हूं स्टेट, ठीक है। अब ये स्टेट कर दिया हमने, और यहां पे कर देता हूं मैं लाइक यहां से हम लुकअप विजार्ड पे जा करके, और यहां पे हम स्टेट का नाम टाइप कर सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन होगी आपकी। यहां पे जाते हैं तो यहां पे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। तो क्वेरी या टेबल से कोई दूसरा फील्ड आप ले सकते हैं, और यहां पर अगर आप खुद से टाइप करना चाहते हैं तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, तो यहां पे खुद से टाइप कर सकते हैं। तो यहां पे जाइए और खुद से टाइप कर दीजिए, लाइक यहां पे टाइप करना है सिटी का नाम, तो पहले कर देता हूं देवरिया, फिर यहां कर देता हूं, फिर यहां कर देता हूं गोरखपुर, तो ये लिख दिया मैंने गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर लिखने के बाद फिर यहां पर आता हूं, जी उड़ गया क्या भाई, यहां पे जी लिख दीजिए, जी छूट गया, तो यहां पे क्लिक कर देता हूं, इधर आ जाते हैं, तो ये गोरखपुर कर दिया हमने। और फिर यहां पे कर देता हूं लखनऊ, ठीक है, यहां पे कर देता हूं दिल्ली, DELHI, दिल्ली कर दिया हमने। और कुछ और भी लिखना चाहते हैं लाइक नोएडा लिखना चाहते हैं तो यहां नोएडा लिख दीजिए, और कुछ और भी देना चाहते हैं लाइक यहां पे कर देता हूं गोंडा, तो ये गोंडा दे दिया हमने। फिर यहां कर देता हूं बस्ती, बस्ती दे दिया हमने। फिर यहां कर देता हूं बाराबंकी, तो ये बाराबंकी दे दिया हमने। तो ये अब यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही रहने देना है। अभी इन सब ऑप्शंस के बारे में अलग से बताऊंगा मैं, और यहां फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो अब होगा क्या कि यहां पर जब आप जाएंगे, ये देखिए यहां पर आ गए, अब यहां पर जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी ये ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन में क्या होगा, ये सारे नाम होंगे जो आपने टाइप किए थे। तो आप यहां से नाम चूज करते जाइए, और यहां से चूंकि स्टेट लिखा हुआ है और यहां सिटी का नाम दे दिया, तो इसको यहां से चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पे कर देता हूं सिटी, ये सिटीज के नाम है, और स्टेट की बात करेंगे तो यहां स्टेट का नाम भी आ जाएगा, तो यहां पे यस कर देता हूं। तो आप देखिए यहां सिटी का नाम आ रहा है, तो ये सिटी का नाम है, तो ये कर दिया हमने। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अगर आप स्टेट के लिए बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही स्टेट के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है, ये बहुत आसान है।